हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजी टेक्सटिंग पार्ट टू। इसमें हम लोग को देखना है लाइक टेक्सचर को हम लोग पुराना कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्सचर हम लोगों ने ऐसा पिक किया जो थोड़ा सा ऑलरेडी थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हम लोग और कैसे डस्ट डर्ट ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ कलेक्शन मैंने निकाले हैं। यहाँ पे कुछ एलगी के, डीगल्स के, डस्ट के और कुछ क्रैक्स के टेक्सचर हैं। तो पहले चलते हैं डस्ट पे, कॉपी, देन यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर। लाइक मेरे पास कुछ पैटर्न है, इन पैटर्न को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन पैटर्न को मैं अच्छे वे में यूज़ कैसे कर सकता हूँ, एक प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, देन कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक एडिट में गए, यहाँ पे डिफाइन पैटर्न है, डिफाइन पैटर्न, ओके, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एक क्रिएट अ न्यू लेयर, ठीक है। एज फॉर स्टैम्प, स्टैम्प पर क्लिक करो आप, यहाँ पे पैटर्न पर चले गए हम लोग, यहाँ पे लास्ट क्लिक, ठीक है। लेकिन हम लोग नियर लेयर पर हम लोग चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई वांट कि मुझे कहाँ कहाँ पे देना है, जहाँ पे मैं देना चाहता हूँ वहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी जहाँ पे लिमिटेड पार्ट में वहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पूरे एक पैटर्न बना के मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ब्लेंडिंग में ब्लेंड कर सकता हूँ आप यहाँ पे, तो देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल द पार्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा और अरेंज किया जाए यहाँ पे, कंट्रोल टी, लाइक सपोज करो वी प्रेस कर दिया मैंने, ऑल्ट यहाँ पे जस्ट कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल ई, ठीक है। देन मैं ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ई, देन ब्लेंडिंग में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ब्लेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो कुछ एडजस्टमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कुछ यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, लाइक ऐड ऑन करो आप यहाँ पे, जियो के साथ आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ओके। इसमें एक ऑप्शन ये बता, अगर मैं इसे कंट्रोल आई कर दूँ, कंट्रोल आई फॉर इन्वर्स सिलेक्शन, ठीक है, लाइक नॉर्मल पे आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, देन मैं ब्लेंड करूँ यहाँ पे, तो मैं उस ब्लेंडिंग में यहाँ पे चीज़ें भी यूज लूँगी यहाँ, लाइक किस तरह से आपको मैनेज करना है, लाइक कुल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। या कंट्रोल आई करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जिस टाइप से आपको डस्ट और डर्ट पर काम करना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट को थोड़ा कम भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल एंड क्लिक, देन इस पर चल कर लोग मास्क कर लेते हैं यहाँ पे, उतने ही एरिया पे आपको दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे हम लोग किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, किसी वॉल को पुराना बनाने के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं डस्ट, ठीक है। और चलते हैं, लाइक मेरे पास अलग अलग वैरायटी डस्ट के मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, लाइक चलते हैं क्रैक्स पे, लाइक कुछ क्रैक्स मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पे, लाइक मेरे पास कुछ वॉल्स हैं यहाँ पे, ओके, कुछ अच्छे अच्छे क्रैक्स यूज़ करते हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा जेन्युइन भी लगे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, सपोज आई वॉन्ट की कुछ वॉल पर मुझे चाहिए यहाँ पे, देन शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी, देन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंटर। ओके, देन हम लोग यहाँ पे भी इसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक देख रहे हो आप यहाँ पे, देन यूज़ को ऑफ कर दो आप यहाँ पे, देख सकते हो आप यहाँ पे कि वॉल के अंदर किस टाइप से क्रैक्स ऐड ऑन किए गए यहाँ पे, जो पुराना बनाया गया यहाँ पे, देन इन दोनों को ऑफ करो, डिफरेंसेस देख रहे हैं आप आपको यहाँ पे, ठीक है। इसी की आप जस्ट कॉपी कर सकते हो आप यहाँ पे, सपोज ऐसे भी कुछ काम किया जा सकते हैं यहाँ पे। तीनों को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ई, मर्ज, ठीक है, लाइक गो टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में गया यहाँ पे, ठीक है। मास्किंग पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे कर दो मास्क, मास्क में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कल सेव है जैसे पीएचडी सेव कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक बीजी टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे, हमेशा पीएचडी टेक्सचर आपको बेसिक में एक हिस्ट्री बना के रखना चाहिए, ठीक है। कल सेव है, लाइक मैं यहाँ पे सेव करता हूँ टैब एंड जेपैक, बीजी टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे, मैं इसमें भी थोड़ा चेंज करने से पहले लाइक टू करता हूँ, ठीक है, डी डस्ट एंड डॉट डी आई आर टी डॉट, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा कुछ। मैक्स में आएगा हम लोग यहाँ पे, लाइक सिंपल द पार्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक इसकी कॉल कॉपी करते हैं अभी, ठीक है, जस्ट कॉपी टी फॉर टॉप, एंड देन इसकी प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं यहाँ पे, और देन मैं इस पर सिंपल द पार्ट मैं इसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, डिफ्यूज एज ए बिट मैप,
कंट्रोल वी देन एंटर। कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे डिफरेंसेज आपको दिखेंगे, यहाँ पे लाइक दोनों में आप चेंजेस देख सकते हो आप यहाँ पे, इसमें और इसमें। थोड़ा नीट एंड क्लीन है लेकिन इसके अंदर थोड़ा डर्ट ऐड ऑन किया गया यहाँ पे, ओके। तो ऐसा कुछ काम किया जा सकता है यहाँ पे। चलते हैं फोटोशॉप पे, ऐसा कुछ हम लोग ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज मुझे कुछ से क्रैक्स क्रैक्स के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, यहाँ पे लाइक क्रैक्स के कुछ इमेजेस में लेके आता हूँ यहाँ पे, लाइक इसके नहीं है, बंद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रैक्स हमने ऐड ऑन किया यहाँ पे, ठीक है, ओके। और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स, लाइक सपोज इतना मुझे यूज़ करना है, एम्प्रेस करके मैं इतना पार्ट्स ला करके मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देन वी देन क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करके मैनेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एंटर देन, ओके, देन हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, अप्लाई करो, देन यहाँ पे देखिए क्रैक्स ऐड ऑन हो रहे हैं आपके यहाँ पे। कंट्रोल टी, ये सब क्या मिक्स पार्ट होते हैं यहाँ पे, हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मैंने ऑल एंड कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तीनों को मर्ज कर दिया, 1, 2 एंड 3, कंट्रोल ई, ओके। सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे मास्किंग वाला पार्ट, देन मास्क कर दो आप यहाँ पे, इतना एरिया मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गो टू मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकता हूँ लोग यहाँ पे। लिटिल बिट आप थोड़ा सा ब्लेंडिंग में आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और देन फाइल सेव एज, टैब एंड जेपैक, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस, तो आप यहाँ पे रिलोड कर दो, या देखो अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपका यहाँ पे। फाइल सेव एज, टैब एंड जेपैक, व्यू इमेज आगे मेरे पास यहाँ पे विजुअल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट एंड क्यू, रेंडर क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो आप यहाँ पे कि यार वो चीज़ें आई कि नहीं, जो क्रैक्स वैक्स हैं हम लोग यहाँ पे देखें। ट्राई करके देखें लाइक अनदर लैम्बर्ट में, व्यू इमेज विजुअल मेरे पास यहाँ पे, देन सेलेक्ट एंड अप्लाई। टेक्स्ट की क्वालिटी तो वो तो हम यहाँ पे बेटर कर लेते हैं, सो मटेरियल मैप्स इन व्यूपोर्ट, ठीक है, रियलिस्टिक मटेरियल इन विद मैप। ओके गाइस, ये पीछे की तरफ है आपके पास यहाँ पे, हम लोग इधर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि यार अगर पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। देन सेम एज इट इज़ जो वॉल है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, वी क्रैक्स को यूज़ करते हैं, देन कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं, चलो, ओके। फाइल सेव एज, जेपैक, ठीक है। तो ऐसे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, आप उस टाइप से भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। कुछ क्रैक्स इसके अंदर ऐड ऑन है यहाँ पे, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है,
जैसे हम लोग फोटोशॉप में जाके मैनेज कर सकते हैं। अच्छा ऐसा कुछ करना है, स्टेप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को, तो फुलफिल करने के लिए लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे तो कुछ करते हैं मैनेज। ठीक है जस्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी, लाइक मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन है कंट्रोल क्लिक, देन मेरे पास जो क्रैक्स का पार्ट है यहाँ पे ठीक है कंट्रोल एंड बैकस्पेस मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ट्राई करके देखते हैं कंट्रोल डी देन वी देन इसका पार्ट में थोड़ा सा कम करने वाला यहाँ पे है यहाँ पे भी, लेकिन कंट्रोल डी एंड वी ऐसे करके हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, लगे क्या थोड़ा सा कंटिन्यूटी में है। अलग अलग लेयर जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे। ऊपर नीचे देन चीज़ों को मैनेज करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे क्रैक्स मेरे पास यहाँ पे भी है। इसमें और डेप्थ जब आएगा जब मैं इसका मैं मैप बनाऊंगा बम्प मैप, बम्प मैप के बाद इसके अंदर और भी डेप्थ ऐड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे। लाइक उस क्रैक्स यहाँ पे देखना यहाँ पे ठीक है, लाइक मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे निकाल के डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल में यहाँ पे क्या करते हैं शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है जैसे इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सपोज़ मुझे कुछ ऐसे दिखाना है कि यार किसी वॉल पे ऐसे कुछ जो ब्रिक्स का पार्ट है वो टूटा हुआ है, ठीक है कंट्रोल टी मैनेज करते हुए, ठीक है कि शेप्स कुछ इस टाइप से हैं यहाँ पे, ठीक है ओके जो इसके साथ बिल्कुल मैच करेगा यहाँ पे, जस्ट ऑल्ट एंड कॉपी कंट्रोल एंड टी आप इसे ऐसे कुछ चेंज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे एक जैसा ना लगे, ठीक है तो इस टाइप से हम लोग चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ शेप्स मेरे पास ऐसे भी लाइक डिकल्स हम लोग निकाल लेंगे, लाइक डर्ट ऐड ऑन करना है, ठीक है लाइक लीकिंग्स है डर्ट है यहाँ पे सिंपल पार्ट डिकल्स है यहाँ पे। सपोज शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है कंट्रोल टी देन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके इतना पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे कंट्रोल टी, लाइक नीचे वाले पार्ट की नीड नहीं है तो एम प्रेस कर दिया मैंने पे। चौथों तो इसे स्ट्रेच कर सकते हो कंट्रोल टी एंड देन हल्का सा पूरा पार्ट, ठीक है एंटर देन तो ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ मल्टीप्लाई पे जाके आप देख सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो लिंकअप हो गया यहाँ पे, तो ऐसे भी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे सेम यहाँ पे, ठीक है वी ठीक है कंट्रोल टी एंड देन कुछ इस टाइप से ऐसे करके आपकी चीज़ें फुलफिल हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ कुछ इन टेक्स्टों को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे और अच्छा लुक एंड फील दे सकते हैं, जितना डॉट देना है डॉट जितना पुराना आप चीज़ों को दिखा सकते हो यहाँ पे। फाइल सेव एज टैब एंड जेपैक, ठीक है जस्ट मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूँ कि आप किस टाइप से टेक्स्ट को पुराना बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। देखो यहाँ बस अपलोड हो गया यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड क्यू करके बाद क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे लीकिंग्स कहाँ कहाँ पाएंगे, लाइक ऊपर से भी लीकिंग्स आएंगे नीचे से भी लीकिंग्स आएंगे। अब जैसे मैंने नीचे ऐड ऑन कर दिया ऊपर नहीं किया तो वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल नहीं लगेगा, क्योंकि जब बारिश होगी या कोई पानी कैसे लीकिंग्स होती है तो ऊपर से पार्ट आपका यहाँ पे दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कंटिन्यूटी है लेकिन ये पार्ट यहाँ पे भी होना चाहिए तो हमें ऊपर भी ऐड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है तो फोर्सा में जाकर हम लोग ये काम भी ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे लाइक सिंपल द पार्ट, ठीक है लाइक उसके बॉटम पे हमें थोड़ा सा काम करना है, बॉटम पे भी आप चीज़ को यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ये ऐसे ही आपका काम कर जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लेंड करने की भी नहीं है आपको, देखिए लाइक किसी का पूरा पार्ट लगने लगेगा तो आप ऐसे भी चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। एज यू नो ब्लेंडिंग आपको पता है तो ब्लेंड से भी आप यहाँ पे चीज़ को फुलफिल किया जा सकता है देन अलग अलग लेयर्स, ठीक है जो हमने लीकिंग्स हमने ले रखे हैं यहाँ पे लाइक
लिंकिंग्स को हम लोग ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे, कुछ इस टाइप किए तो देन इस टाइप से चीज़ को मैनेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है, और लाइक ये भी काम कर जाएगा आपका यहाँ पे। कंट्रोल टी कंट्रोल जेड कर दो आप यहाँ पे, एंटर कंट्रोल जेड। ओके दोनों लोग को मर्ज कर देते हैं कंट्रोल ई, कंट्रोल टी पे गए। ठीक है देख ब्लेंड करते हैं यहाँ पे कितना यहाँ तक है, तो देन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। ओके तो ऐसा कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है और इसको भी हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसे कई चीज़ आप यहाँ पे ऐड ऑन करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है फाइल सेव एज, टैब एंड जेपैक। ठीक है चलते हैं मैक्स पे, देन यहाँ पे रेंडर करके देखोगे आप यहाँ पे, तो देन चीज़ को और अलग अलग तरीके से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ऊपर से कुछ पार्ट यहाँ पे है, ठीक है अब यहीं पे कुछ लिंकिंग्स वाला पार्ट है, ऊपर भी आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे कंटिन्यूटी में कि ठीक है ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे। तो देन डिकल्स आपके यहाँ पे विजुअल यहाँ पे कलर वाइज हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लाइक ऊपर से कुछ ऐसा पार्ट है तो इसको भी थोड़ा सा वैसे कुछ कलर में देना पड़ेगा यहाँ पे। इस टाइप से चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये पार्ट है, अब इसको मुझे कलर चेंज करना है, अब इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इमेज मोड इमेज एडजस्टमेंट जाके यहाँ पे कर सकते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन में। कुछ इस टाइप से हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम चीज़ इमेज एडजस्टमेंट, ऐसे कुछ वैरायटीज हैं इनके साथ, आप थोड़ा सा प्ले करो आप यहाँ पे तो देन थोड़ा सा आपको बेटर लगे आपको यहाँ पे। ठीक है तो गाइस ये बेसिक था, एक बेसिक डिफ्यूज मैप जिसको हम लोग बहुत अच्छे से लाइक ऐड ऑन करके अलग अलग लेयर्स ऐड ऑन करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने इतना सारा काम किया है। ठीक है लेयर्स वाइज काम किया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है और प्रॉपर लेयर्स में अलग अलग चीज़ जो मैनेज करते हैं, डिकल्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं, बहुत सी चीज़ में और भी ऐड ऑन हो सकती हैं, अभी हम लोगों ने इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं किया। लाइक सिंपल सा पार्ट क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल टी, ठीक है और देन कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे करते हैं 90 पे। ठीक है देन मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, सपोज ऐसा भी कुछ आएगा। ठीक है और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें फुलफिल होंगी आपके यहाँ पे। ठीक है एडिट करता आप यहाँ पे लाइक कुछ इस टाइप से। ठीक है एंटर एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, डिलीट कंट्रोल डी, ठीक है कंट्रोल टी या कंट्रोल जे कर दो, कंट्रोल जे कंट्रोल टी देन ठीक है एंटर करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया दोनों ही लेयर में, बस यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे कंट्रोल ई देन ब्लेंडिंग भी आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, गो टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में जाके आप यहाँ से वो मैनेज कर सकते हो, ऐसे कुछ दिखाया जा सकता है कि हाँ ऐसे कुछ हम लोग ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे। ठीक है फाइल सेव एज, टैब एंड जेपैक। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने नीचे नीचे डॉट दिखा, ऊपर आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो वो काम नहीं करेगा आपके यहाँ पे, तो ऊपर भी आपके पास दिखने चाहिए, यहाँ पर भी पुराना लगना चाहिए। हाँ यहाँ से भी कुछ चीज़ें हैं जो वाटर लीकिंग आपको दिखे यहाँ पे और चीज़ को मैनेज किया जाए। ठीक है तो ये आपका डिफ्यूज टेक्सचर है, हमने ओवरऑल एक डिफ्यूज टेक्सचर का एक आइडिया दिया है। अब काम करते हैं बम्प पे,
बम्प क्या काम करता है, ठीक है। ओके तो से इसकी स्केलिंग मैनेज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, लाइक इसका बम्प बनाना है। बम्प बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक सिंपल डुप्लीकेट करो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के, यहाँ पे डालो बम्प BUMP बम्प, ठीक है। ओके बम्प में आपको क्या करना है, जितने भी लेयर हैं सबको आपको जिसमें ज़्यादा आपको डेप्थ दिखाना है तो उसमें आपको क्या करना है, आप बहुत सिंपल सा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल एंड ईजी वे। बहुत से प्रोसेस हैं लेकिन एक बहुत ईजी प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ह्यू एंड सेचुरेशन लो आप यहाँ पे एंड सेचुरेट कर दो पूरा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लाइक जितना आप यहाँ पे चूंकि मैनेज को जितना व्हाइट होगा उतना अच्छा इम्पैक्ट देगा बम्प के लिए, ठीक है। जितना ब्लैक होगा उतना आपका स्पार्कलर के लिए, तो हम लोग चूंकि ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं। फाइल सेव एज, ठीक है, लाइक बम्प में यूज़ कर सकता हूँ PHD, ठीक है। और फाइल सेव एज ए मैं यूज़ करने वाला हूँ टैब एंड जेपैक, ठीक है, बम्प। देन अगर मैं अपने मैक्स में आता हूँ, मैक्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे मैप से मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैप्स में गए बम्प, बम्प के अंदर नन पे चलते हैं, बिट मैप, ठीक है, बम्प ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके बम्प का इम्पैक्ट आपके यहाँ पे विजुअल होगा आपके यहाँ पे, देखो दब दिख रहे हैं यहाँ पे कट्स प्रॉपर A to Z, तो आपके सामने यहाँ पे विजुअल होगा। यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ पे मैप बनाते हैं, जैसे इसी के मैं जस्ट डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल मैप है, ठीक है, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट यहाँ पे कर दिया, बिजी टेक्सचर यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे स्पेक्युलर, ठीक है, स्पेक्युलर कर दिया यहाँ पे। सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ह्यू एंड सेचुरेशन, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, दोनों को शिफ्ट एंड ड्रैग करके लेके जाओ आप यहाँ पे ऊपर ले जाना, सबसे ऊपर जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको हम लोग चेंज कर देंगे यहाँ पे, जो ब्लैक एंड वाइट में जाएगा ना यहाँ पे, ये जितना ब्लैक और वाइट में जा रहा है ब्लैक की तरफ जाएगा वो हमारा स्पेक्युलर हो जाएगा। फाइल सेव एज, ठीक है, स्पेक्युलर, ठीक है, और इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ एज ए PHD स्पेक्युलर। देन इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्यू करके देखो यहाँ पे, देन आपके यहाँ पे डेप्थ आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मेरे डेप्थ आपको जब देखा, जब हम लोग यहाँ पे एक लाइट यूज़ करते हैं, अभी हम लोग स्काईलाइट पर रेंडर कर रहे हैं, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, स्काईलाइट में क्या होता है, स्काईलाइट में चीज़ आपको बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होती यहाँ पे, स्काईलाइट में सब कुछ फ्लैट हो जाता है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लाइट पे चलते हैं, लाइट लग करते हैं मैंने यहाँ पे साइड में चूहे को मैनेज करते हैं यहाँ पे। ओके एक एंगल यहाँ पे एक स्पॉट लाइट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड में गए टारगेट स्पॉट F4 फ्रंट, ठीक है, तब मैं चीज़ को मैं मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और शैडो यूज़ कर लेते हैं लाइक रेटेड शैडो, ठीक है, यूज़ करते हैं ऑफ स्पॉट बीम बड़ा करने के लिए, ठीक है। देन शिफ्ट एंड क्यू, तो देन आपके यहाँ पे चीज़ों के अंदर और बेटर वे में दिखेगा यहाँ पे, लाइक अगर कोई इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, तो दोनों के इंटेंसिटी को थोड़ा मैनेज कर देते हैं, लाइक स्काईलाइट है ना, स्काईलाइट को कर दो 0.3 और 0.4 के आसपास, यहाँ पर डेप्थ आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ फ्लैट दिख रहे हैं यहाँ पे, डेप्थ विजुअल आपके सामने यहाँ पे। तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, प्रेस M, बम्प का जो अमाउंट है बम्प काउंट में यहाँ पे चेंज करता हूँ, लाइक मैंने कर दिया ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कम करना है, मैं 10-20 के आसपास मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लगे क्या थोड़ा सा काम कर जाएगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 पे ठीक है, 15 पे ठीक है, ओके, तो मैं ऐसी चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। यहीं पर हम लोग जस्ट मैप को यूज़ करेंगे, स्पेक्युलर मैप को स्पेक्युलर एरिया में, ठीक है, लाइक सपोज हल्की से साइनिंग के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे स्पेक्युलर बिट मैप, तो तीनों मैप आप यूज़ करना आपको आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप से आप मैप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, स्पेक्युलर, ओके, तो आप मैप यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। देन ये एक बेसिक फंडा होगा कि किस टाइप से आप किस एक सीन में किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, लाइक मैं आपको एक आइडिया देता हूँ यहाँ पे, 1
लाइट को चेंज करते हैं ऑल, वन टू एंड, ठीक है वन एंड टू रखते हैं यहाँ पे ऑल्ट क्यों, एक प्लेन लगाते हैं स्टैंडर्ड में आकर प्लेन, ठीक है ओके और एम प्रेस करके यहाँ पे मैच शैडो यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मैच शैडो अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है शिफ्ट एंड क्यों, ये दिखा सकते हैं कि आपका पहला वाला था, देन ये आपका सेकंड वाला पार्ट है, किस तरह से अपने टेक्सचर में ऐड ऑन किया है, ठीक है डर्ट लीकिंग्स, ठीक है क्रैक्स, ओके ठीक है गाइस थैंक यू।